सो गाइस देखो ये पानी पहाड़ से आ रहा है, इसको आप पी सकते हैं या पी भी रहे हैं। थोड़ा सा मिस हो जाने के बाद दोस्त यहाँ पे आदमी खत्म हो जाता है। 3, 2, 1, GO! सो हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग अभी नेपाल में है, पीछे में हमारा फोर व्हीलर लगा हुआ है, साथ में दिनेश सर है और ये रिक्की जी है जो कि बताएंगे बाद में इसका इंट्रोडक्शन हम। और ये बादल हाई कर दो दोस्त। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं नेपाल, मतलब जहाँ घूमने के लिए जाने वाले थे वहाँ जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं भूलगाम के, मतलब पहाड़ी इलाका आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ का जो है कि वायु है बहुत ही मस्त है और हवा भी बहुत मस्त का आ रहा है। और फिर ये देख सकते हैं हम लोग कितना कंजेस्टेड होके जा रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है क्योंकि फैमिली टूर है ना, तो फिर बाहर कभी आती है नहीं, हम लोग बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और फिर बहुत टाइम हो गया है और फिर कुछ देर लगेगा और यहाँ से समथिंग आधा घंटा लगेगा हम लोग पहुँच जाएंगे, फिर हम वहाँ का भी आपको दिखाएंगे पूरा घूम के। सफर हम लोग जा रहे थे, जाते जाते रुक गए हैं यहाँ पे रास्ता में, कहे कि पूरा यहाँ का व्यू बहुत ही मस्त है और सारे कोई रुके हुए हैं हम लोग, अभी देख सकते हैं। देखिए जी हाई कीजिए, हाई इधर हाय। अभी हम लोग देखते हैं, इधर घूमते हैं, रुकेंगे 10-15 मिनट, फिर गाड़ी में बैठेंगे, फिर चलेंगे आगे। और यहाँ पे मतलब कि मौसम भी बहुत मस्त है, पूरा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है धीरे धीरे, और फिर धूप भी है बट ठंडा ठंडा हवा भी है। और फिर जो है कि कुछ ही दूर में हम लोग का मंदिर रह गया है, तो फिर हम जाएंगे वहाँ मंदिर, तो फिर आपको वहाँ का भी हम दिखाएंगे सारा व्यू वगैरह। वहाँ का व्यू तो एक नंबर व्यू है और वहाँ पे भयंकर मतलब कि बहुत मस्त का पहाड़ वगैरह है, तो फिर आपको मौसम भी दिखाएंगे। तो फिर हम लोग वीडियो पे बने रहे, आपको हम दिखाते हैं आगे। सोगा जी बच्चा को देखिए, ये मेरा गोदी नहीं आती है और ये कंफ्यूज है कि हम जा कहाँ रहे हैं। पूरा हरा हरा घास वृक्ष वगैरह लगा हुआ है, तो फिर इसका व्यू कुछ मस्त है, आप देख सकते हैं चारों तरफ इधर फोर व्हीलर लगा। सो फ्रेंड्स हम लोग बहुत मस्ती किए यहाँ पे, फोटो वोटो भी खिंचा लिए सारा कुछ। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से आगे, तो सबको हम लोग हो गए हैं तैयार अब जाने के लिए, बोलबम नेपाल का बोलबम जाने के लिए तैयार है हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं फिर से हम। भोले बाबा से मांग रही हूँ सात जन्म के लिए, सुमारी कर रही है सनम के लिए, तेरा दादा कल धारेगा। सो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं तो ये सब घर द्वार है पहाड़ के अगल बगल जो रहता है, इसके पीछे जो आप देख रहे हैं वो सब बड़ा बड़ा पहाड़ जो दिख रहा है, वो सब गजब का सीन है, देखने में क्या लग रहा है यार। सो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं आगे आगे ऊंचा ऊंचा आते जा रहा है, तो ये हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और ये जितना आगे जाते हैं उतना पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है और गाड़ी स्लो हो रहा है, गाड़ी हम लोग को खींच नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा आदमी है। सो फ्रेंड्स हम लोग पहाड़ को क्रॉस करते हुए आगे आ गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं रोड के बगल में रिवर है, बहुत ही बड़ा रिवर है और बहुत ही गहरा रिवर है, इसे बहुत ज़्यादा पानी है और आप देख सकते हैं कि इधर हवा भी। सो गाइज आप देख सकते हैं हमारे पीछे पहाड़ है, कितना ऊँचा पहाड़ है और ये रोड के इस साइड है और आपको ये दिखा रहे हैं हम रोड के इस साइड, आप देखो कितना ऊंचा है, मतलब कि दिख ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा ऊंचा है। और मेरे नीचे ये देखो, मतलब थोड़ा सा इधर जाओ तो ख़त्म है खेला। ये है नदी, पूरा पहाड़ का पानी इस पे चलता है और मस्त व्यू है। और ये है कि हवा भी बहुत शानदार है इधर का, बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, हालत ख़राब हो गया चढ़ते चढ़ते, मतलब कि ऊंचा टाइप से है। सो गाइस देखो ये पानी पहाड़ से आ रहा है, इसको आप पी सकते हैं या पी भी रहे हैं, बहुत साफ पानी है, पहाड़ के अंदर से आ रहा है ये बिल्कुल। ये देखो कहाँ से आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा,
मस्त पानी है दोस्त। ये देखो फ्रेंड कितना मस्त व्यू है, आपको जूम करके हम दिखा रहे हैं। संजय अंकल का आई था ना, ये पूल है, बुलेट ठीक है सब। और मस्त व्यू, आवाज भी आ रहा है, पानी गिर रहा है जो पहाड़ से, वो आवाज भी आ रहा है। हम आपको और ऊपर ले चलते हैं अभी, जहाँ मंदिर है वो तो उसमें तो और कुछ और ही मस्त है, मंदिर का नजारा कुछ और है, आपको हम दिखाएंगे आगे अभी। देखो गाइस व्यू, पीछे में सब चल चल के आ रहे हैं, हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, इन लोग से फास्ट आदमी है। देखो सब कोई आ रहा है पीछे से, इधर पहाड़ है, इधर हम लोग जान बूझ करके चल रहे हैं, गाड़ी भेज दिया आगे, क्या कि यहाँ का हवा बहुत ज़बरदस्त है ना, तो इसीलिए। सो गाइस हम जहाँ पे हैं वो देखो आप यहाँ से कितना नीचे है, बहुत नीचे है, यहाँ जाने के बाद जो है कि आदमी वापस ऊपर नहीं आ सकता। मस्त का लोकेशन है भाई, इधर देखो बट काला काला दिख रहा है। ओए होए देखो देखो वो सब पानी पी रहा, देखो उधर बादल पानी पी रहा। झरना का पानी पीने में मजा ही आ कुछ और है। वो देखो पानी पीने जा रहा है वो, मस्त है जय। लेकिन ये है कि रिक्स है यार, ये कभी भी पत्थर टूट के गिर सकता। जी हाँ भाइयों बहनों, देखिए पहाड़ खोद के पानी निकाल रहे हैं हम लोग, पहाड़ क्षेत्र जहाँ का व्यू इतना मस्त है, हवा भी लग ही नहीं रहा, अभी गर्मी का दिन है, लग रहा है कि जनवरी दिसंबर का महीना है पूरा, मतलब शांत सगा। ये देखो मतलब मेरे बहुत नजदीक में बादल है जिसको हम आसानी से देख रहे हैं, और जो है कि पहाड़ भी बहुत तगड़ा है, और नीचे में जो आपको नदी दिख रहा है बहुत गहरा नदी है, और इसका पानी आवाज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब यह है कि पानी बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा है इसलिए आवाज़ कर रहा है। तो गाइस वो देखो, और ये बगल में जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो मैं दिखा रहे हैं, ये देखो पानी पानी दिख रहा है आपको, ये पानी का जो आवाज़ है झरना से आ रहा है, बहुत दूर से ये पानी आ रहा है, ये पानी झारखंड से आ रहा है, आवाज़ बहुत मस्त लग रहा सुनने का। और आपको ये दिखा रहे हैं कौन सा पुल, ये वाला पुल आप देख सकते हैं, ये पुल में चढ़ना थोड़ा सा मतलब हार्ड है, सबका बस का बात नहीं इसमें चढ़ना। लगभग 2 किलोमीटर तो हम लोग चल लिए हैं पैदल, और फिर और 0.5 किलोमीटर से भी कम ही होगा तो बस पहुँच जाएंगे मंदिर, फिर आपको दिखाते हैं हम मंदिर को। वो देखो उन लोग पहले से आ गया है, देखो वो ब्यूटी है, और भोला है, और ये सब है। सो फ्रेंड्स ये देखो हम लोग आ चुके हैं जहां हम लोग को आना था, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, उधर अभी थोड़ा और आगे है हम लोग चल रहे हैं, और थोड़ा सा दूर है।